साथियों जय हिंद। दरअसल ये अर्ध सैनिक कैंटीन का दफ्तर है जहां पर हम मौजूद हैं और लगातार यहां पर ऑफिस में मीटिंगें चल रही हैं कि किस तरीके से देश भर में कैंटीन सुविधा दी जाए। जिस तरीके से सीएसडी कैंटीन आपने देखा होगा, आर्मी कैंटीन आपने देखा होगा, उसी तर्जनुमा पर जो है अर्ध सैनिक कैंटीन पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अर्ध सैनिक कैंटीन के फाउंडर पूरन चंद आर्या साहब। सब कैसे देख रहे हो, क्या मीटिंगें चल रही है, क्या प्लानिंग कैसा है, कैसे पूरे देश भर में फैलाने की योजना बना रहे हैं? जय हिंद। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत सरकार सीएसडी कैंटीन या आर्मी कैंटीन जवानों के लिए चला रही है, उसी तर्ज पर हमने 3-4 साल पहले अर्ध सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है और उसके अंतर्गत अब हमारी सैकड़ों कैंटीनें पूरे हिंदुस्तान में खुल चुकी हैं। अब हम जवानों को इसके अंतर्गत पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत ये कैंटीनें खुलवा रहे हैं। हमारा अगला कदम हम विचार कर रहे हैं कि जिन मेट्रो शहरों में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर फौजी गांव देहात से हैं और वहीं से ये कैंटीनें खुल रही हैं और वहीं से हमें ये आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, हमारा ये एक विचार है कि क्यों ना हम मेट्रो सिटीज़ में या जिन शहरों से, जिन तहसीलों से जवानों की एप्लीकेशन नहीं आई है, तो क्यों ना वहां पर वुमेन्स को, महिलाओं को ये मौका दिया जाए। तो इस पर हम विचार करते हुए आज ये घोषित कर रहे हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर जो महिला अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता के लिए इस रिटेल चेन को खोलना चाहती है, उसका हम स्वागत करेंगे, बशर्ते वहां पर किसी जवान की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। और वैसे हमारे पास दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जितने बड़े शहर हैं, यहां से अभी तक ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आई है और जवानों की एप्लीकेशन ज़्यादातर गांव देहात से आ चुकी है। तो मैं सभी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट का ये एक आमंत्रण है कि आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर अर्धसैनिक कैंटीन खोलें और अपने एक रोजगार को अपनाते हुए जवानों का भी सहयोग करें और अपने जीवन को भी बदलें। सर प्रोसेस क्या, कैसे लोग इसमें जुड़ेंगे? बहुत ही आसान प्रोसेस है। हमारी हेल्पलाइन जो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही है उस पर कॉल करें और कॉल करने के बाद एक साधारण सा आवेदन के बाद आपका एग्रीमेंट होगा और 15 से 20 दिन के अंदर हम आपकी कैंटीन खुलवा देंगे। हम इस प्रोसेस को इतना फास्ट इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि हर स्टेट में हम एक डिपो खोलने का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी तक हमारे 10 डिपो हैं और इस साल के अंत तक हर स्टेट में एक डिपो होगा और पूरे इंडिया को कवर करने के लिए हमने लगभग 60 क्लस्टर में बांटा है। अंदाजन हमारे को लगता है 50 से 60 के बीच हम डिपो बनाएंगे ताकि पूरे इंडिया की एक मजबूत सप्लाई चेन बन सके। अभी तक कितनी कैंटीन खुल चुके हैं पूरे देश? सर हमारी अभी 700 से ज़्यादा कैंटीनें खुल चुकी हैं जिसमें से 100 लगभग प्रोसेस में है जो अगले 2 महीने के अंदर खुल जाएंगी।